हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज मैं फिर से अपने मायके में हूँ और यहाँ पे कुछ इमरजेंसी आ गई थी जिसकी वजह से मुझे मायके में आना पड़ा। तो ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं और आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा ये जानने के लिए कि ऐसी क्या इमरजेंसी आ गई थी जिसकी वजह से मुझे हफ्ते में दूसरा चक्कर जो है मायके का लगाना पड़ा। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। जैसे कि आपने बॉक्सेस देखे, आखिर किस चीज़ के बॉक्स हो सकते हैं? किसी ने गेस किया? नहीं किया होगा, आई एम श्योर कि नहीं किया होगा। लेकिन जिसने किया तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं, पूरा ब्लॉग देखने के बाद नहीं, उससे पहले ही बता सकते हैं कि आपने क्या गेस किया। तो अब रिवील करते हैं कि वो इमरजेंसी क्या थी, तो देखते हैं। तो ये है इमरजेंसी। एक्चुअली क्या है कि हमारा, जैसे सभी को पता है, आर्ट और क्राफ्ट का जो हम एक स्मॉल सा बिजनेस चलाते हैं ऑनलाइन, तो उसके आजकल राखी चल रही है। तो उसके लिए हमें बहुत ऑर्डर्स आए थे जो मैं आपको दिखाती हूँ। और इमरजेंसी ये थी कि उमा के लिए अकेले बनाना बहुत डिफिकल्ट हो रहा था, क्योंकि कल ही कल में सिर्फ और सिर्फ फोटो राखी के हमें 30+ ऑर्डर्स आ चुके हैं जो कि कन्फर्म है। उसके अलावा अब जो पेमेंट होती है वही कन्फर्म होते हैं, उसके अलावा तो हम कन्फर्म मानते नहीं है। तो वो कंप्लीट करने हैं, इसलिए मुझे आना बहुत ज़रूरी हो गया था, वहाँ से नहीं हो पा रहा था। क्वेरीज में भले ही थोड़ी बहुत हैंडल कर लूँ, लेकिन जब तक मैं फिजिकली यहाँ पे अटेंड नहीं होती तो वो वर्कआउट नहीं हो रहा था, इस वजह से मुझे आना पड़ा। तो जैसे आप मेरे स्क्रीन पे देख रहे हो, उमा अभी काम पे लगी हुई है और राखी के सारे ऑर्डर्स हमें कंप्लीट करने हैं, क्योंकि मंडे जो है हम सोच रहे कि ये सारे के सारे हम डिस्पैच करेंगे ताकि वो टाइमली पहुंच जाएं। क्योंकि इस बार पता है क्या सीन हुआ है, इस बार जितने भी ऑर्डर्स आए ना हमको बाहर से आए हैं, जैसे महाराष्ट्र, दिल्ली, पुणे, कहाँ से, और हैदराबाद। मुँह से इसकी आवाज़ कम निकलती है इसलिए मुझे थोड़ा जोर से सुनना पड़ता है। हैदराबाद, नोएडा, दिल्ली, ये सब आए। पहले ज़्यादातर लोकल के ज़्यादा रहते थे, लोकल के जो है लास्ट में आते। जैसे हमने सेल बहुत पहले स्टार्ट कर दी थी, उस टाइम पे लोगों को बिल्कुल मतलब ध्यान नहीं रहा या उन्होंने चेक नहीं किया, जो भी किया देयर फॉल्ट नॉट आवर। तो उस वजह से जो है वो लोग उन्हें सेल में से लिया नहीं। फिर उसके बाद राखी नज़दीक आती है तो सबको याद आता है भाई ऑर्डर देना है। तो इस वजह से मे बी वो लोग डिले हो गए हो, लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि हमारा तो काम ही यही है कि हम टाइमली उस चीज़ को पहुँचाएँ और लोग इतना सपोर्ट कर रहे हैं तो हम भी सोच रहे हैं कि चलो अच्छे से इसमें मन लगा के काम करते हैं ताकि टाइम से ऑर्डर्स पहुँच जाए। इस वजह से मुझे आना पड़ा। तो अभी जैसे आप देख लो, सारे के सारे ऑर्डर्स हमें कम्प्लीट करने हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना इसका एक छोटा वीडियो बना लूं मैं आप लोगों के लिए कि हम कैसे अपने ऑर्डर्स कंप्लीट करते हैं और जब बहुत ज्यादा काम होता है तो कैसे हम साथ मिलकर उस चीज को करते हैं। अदरवाइज हम अलग अलग हैंडल कर लेते हैं, जो चीज मैं बनाती हूँ वो मैं अपने घर से कंप्लीट कर लेती हूँ, जो ये बनाती है वो इधर से कंप्लीट कर लेती है, तो हमें दिक्कत नहीं होती है। यू नो, गर्ल सपोर्ट और सिस्टर दोनों वर्क करती हैं तो वैसे ही बहुत ईजी रहता है। तो अब वीडियो को ऐसे ही कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि अगर मैं बात ही करते रहूँगी तो फिर मैं बनाऊँगी कब राखी, जिस वजह से मैं यहाँ आई हूँ। तो इसमें मैं आपको दिखाऊँगी आज के ब्लॉग में कैसे हम छोटी छोटी चीज़ें डिटेल्स नोट करते हैं, सब कुछ हाइपर लैप्स में दिखेगा। तो वैसे मैं उम्मीद करूँगी कि बीच बीच में रिकॉर्डिंग कर दूँ, काम बहुत ज़्यादा है। सिर्फ फोटो राखी के इतने ऑर्डर है तो और भी पड़े हैं, और सबका नोट करना, किसकी कितनी क्वान्टिटी है, एड्रेस क्या है, फ़ोन नंबर क्या है एंड ऑल, ये सब चीज़ें बहुत ही ज़्यादा हैक्टिक होती है कभी कभी। तो शुरू करते हैं वीडियो फिर से और देखते हैं कि कैसे हमारा आज का दिन निकलता है इसमें और कितनी चीज़ें हम कंप्लीट कर पाते हैं। ये अभी हमारा फोर्थ बैच है, इससे पहले 3 बैच जो है उमार कुरियर करके आ गई है, जिसमें स्टार्टिंग में ऑर्डर्स आ गए। अभी राखी को ज्यादा टाइम भी नहीं बचा है तो लोगों की डिमांड ज्यादा बढ़ चुकी है। ऐसा होता है ना, कभी कभी पेज शायद देर में सजेस्ट होता है तो उनको भी दिक्कत होती है, वो एकदम से पूछते हैं, क्योंकि फोटो राखी के ही हमें इतने सारे ऑर्डर आए थे और हमने ना कितने लोगों को मना कर दिया, क्योंकि हमें भी दिक्कत होती है ना फोटो निकलवाना, उसे लाना, ये सब, और फिर टाइम भी नहीं बचता है तो लास्ट में बहुत दिक्कत होती है इस वजह से। तो ये हमारा फोर्थ बैच है और इसी में सबसे ज्यादा ऑर्डर्स हैं, जो लास्ट जैसे 1 wave 2 wave 3 wave चलती है ना वैसे ही, तो ये फोर्थ वाले में सबसे ज्यादा ऑर्डर आए, तो इस वजह से मुझे आना पड़ा। वरना तो उमा बहुत टैलेंटेड है, वो हैंडल कर लेती है सारी चीजें अकेले, मतलब क्योंकि ये सब इतना छोटा छोटा ताम झाम ना मेरे से नहीं होता। तो इसमें कई लोग गिफ्ट वगैरह भी दे रहे हैं, जैसे कि आप ये देख सकते हैं,
ये मैंने बनाया था, ये वाला भी गिफ्ट है, किसी के लिए भेजना है। और वहाँ पे जो एप्पन वाले आपको दिख रहे हैं वो वाले भी गिफ्ट हैं, जो कि अपने एक बंदी अपने भाई भाभी को भेज रही है। इसमें बस ज्वाइंट करने, तो इनको एक फिनिश लुक देना है, बाकी ये रेडी है। तो इन चीज़ों में टाइम लगता है थोड़ा, जैसे पेंट एंड ऑल का चीज़ है वो मैं हैंडल कर लूँगी, क्वेरीज हैंडल कर लूँगी, और बाकी चीज़ें ये करेगी, क्योंकि ये इस चीज़ में ज़्यादा परफेक्ट है। I've been driving this train, years in this lane, there's no stopping this flame, cause I came to the game and I changed it to play, how I like, rearranged it to my own domain, yeah, I got what it takes, made lots of mistakes, taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great, popping off, singing straight, never stopped, never changed, all the squad here to play, and I've got something to say, yeah, I work hard each and every day, I get lost in the words I say, I don't push pause, no, I push play, I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make. I turn flaws into flawless traits. I build tall, never cap in space. I won't stop till I hear him say. वो कितना डिफिकल्ट है, आप पैकिंग कर रहे हैं और एक राखी खो दिया मैडम ने हमारी, अब पता नहीं कहाँ खोई है, वो कह रही है यहाँ पे थी और मुझे तो दिखी नहीं थी, अब उस एक राखी के चक्कर में सारा सामान इधर उधर होगा। इजी होता है क्या, कितना मुश्किल होता है छोटी छोटी चीजों को कलेक्ट करना, फिर उनको संभालना, बनाना, फिर उनको पैक करना। लोगों को लगता है बस कह दिया और हो गया, ऐसा नहीं होता भाई, अब वो कहाँ गई होगी पता नहीं, ढूंढ अच्छे से ढूंढ, छोटा भाई खो गया, छोटा भाई। एक तो साथ मिल गया, बताओ ये हमारा छोटा भाई जो खो गया था गलती से क्या उल्टा हो रहा, उसके बैक साइड पे पेंट किया था और उसने सब जगह ढूंढ लिया कि मैंने यहीं पे देखी थी करके। छोटा भाई तो वो है हमारा। पॉलो कैसे मजे रहे, बाहर नहीं जा रहा है, पूरी जगह बाल ही बाल कर रहा है, इसलिए बांध रखा है आज है, जितने लोग बाहर को जा रहे हैं उतनी बार देख रहा है। बोल सबको, हाय बोल, बोल ऐसे नखरे करते हैं ना ये, कौन है ये, देख तो कौन है ये। इतने नखरे रहते हैं ना इसके, नखरे बाज कहीं का। हाँ जब हम फोटो खींचते हैं तो बीच में पहुंचे रहता है बिल्कुल, वहां पे सब ऐसे पूंछ लाता है पीछे से। अभी तो कितना कुछ बचा है, परसेंट हुआ है, ये देखो अभी ग्लॉस व्लॉस लगा रखा है, सब तैयार कर रहे हैं, अभी भी 1% काम भी नहीं हुआ है, सिर्फ एक का पैक हो रखा है, दूसरे का तैयार हो रहा है, दूसरा भी हो गया, दो पैक हो गए, बाकी कबाड़ फैला हुआ है पूरा। चलो बाहर का दिखाती हूँ तब तक, क्योंकि लास्ट दिन जब मैंने व्लॉग बनाया था तो तब शाम के टाइम बनाया था तो फूल नहीं खिले थे ना, इसलिए ये देखो मस्त सो रखे हैं। वाह ये इतना प्यारा लगता है ना मुझे, आय हाय हाय कितने खूबसूरत लग रहे हैं ये, इतना सुंदर है, सिर्फ दिन में ही खिलता है ये देखो। मम्मी का इंस्टा चेक करना, उसमें इतना भरे पड़े हैं सारी चीजें, ये देखो। पॉलू कुछ बोलने देगा मुझे, हमेशा बस भौंकते रहता है यहाँ से, कुत्ता है तो भौंकेगा ही, कुत्ता भौंकेगी, कुत्ता मत कहो, अब फोकस हो जा भाई, ये देखो कितना प्यारा लग रहा है। ये तो आपने देखा ही था, एक फूल उधर रखा है, ये सारे फूल उगे हैं। थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं, देखो एलोवेरा पहले तो भतेरा हो रहते थे और ये साथ में ही रखी है सारी चीजें। मैं थोड़ा फोटोग्राफर भी दिख जाते हैं, वीडियो बनाते हुए, फोटो बनाते हुए, वैसे उनके दर्शन हो जाते हैं, तो थोड़ा हम अपने आप को सौभाग्यशाली समझते है। मोगरा भी उगा है, इतना क्यूट लगता है, ऐसी खुशबू आ जाती है ना इसकी, बिल्कुल खतरनाक। तो अभी टाइम हो रहा है 1:11 और हमको जाना है फोटोज लेने के लिए, और मार्केट में थोड़ा काम भी है ऑर्डर से रिलेटेड, तो वो कंप्लीट करने के लिए जा रहे हैं उमौर में, उसके बाद आके जो है हम अपना वर्क कंटिन्यू करेंगे जो भी बचा हुआ है।
फाइनली हम अपना सारा काम निपटा के अब घर को चले। और सैटरडे होने के बाद इतनी भीड़ थी क्या ही कहें, फिर भी गरिमा जी ने स्कूटी निकाली ली और मुझे सेफली घर पहुंचा ही दिया। और ये हम पहुंच गए घर। पलटन और ये लड़की तो फाइनली जो है फोटोज़ की कटिंग शुरू हो गई है। इतनी तो मैंने काट दी है क्योंकि पूरे शेप में कटनी चाहिए इसी में इसलिए उसमें फिटाएंगी और इतनी और बची है। कितना बारीक काम होता है हर चीज़ में ना, इसमें राखी वाखी वगैरह में, ऐसा नहीं कि फटाफट करो और निपटाओ, ऐसा नहीं होता। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि टाइम से ऑर्डर दे दो ताकि हम भी टाइम से अपना काम निपटा के आपको टाइम से पहुंचा पाएं उस चीज़ को। फिर राखी निपट जाएगी, उसके बाद जब चीज़ पहुँच रही तो क्या फ़ायदा उस चीज़ का। ये देखो पूरा कबाड़ा कितना फैला हुआ है। अरे भाई भाई साहब कितना वर्क करना है, बेचारी उमा लगी पड़ी है, पूरा दिन निकल जाता है पता है इन चीज़ों में। तो टाइम हो रहा है अभी कितना हो रहा है 5:43 और मार्केट से आने के बाद थोड़ा सा खाने के बाद हम लोग बैठे हुए हैं, तब से इसी में काम में लगे हुए हैं। और जब आर्टिस्ट थक जाते हैं बहुत ज़्यादा काम हो जाता है उसके बाद रेस्ट भी ऐसे चलता है ऐसे सो जाते हैं क्योंकि बिस्तर विस्तर मिलता नहीं है हमको, तो ऐसे ही पड़ जाते हैं क्योंकि एक बार वहाँ सो गए तो फिर उठ के यहाँ काम करने का मन नहीं करेगा, इसलिए रेस्ट पीरियड चल रहा है अभी, उसके बाद करते। और कबाड़ में बिल्कुल इतू सा भी फर्क नहीं आया है। ये देखो वैसा का वैसा ही है सारा का सारा, पूरा एक दिन लग गया है। और ऐसा लगता है ना बनाते समय कि चलो आज इतना तो निपट जाएगा, लेकिन बहुत टाइम लगता है क्योंकि हर एक चीज़ बनाना, उसे पूरा डेकोरेट करना, फिर सुखाना पेंट वाली चीज़ों को डिफ़िकल्ट, और फिर बीच बीच में रील भी देखते रहना, सो डिफ़िकल्ट। तो देखते हैं आज कितना हम इस काम को निपटा पाते हैं, क्योंकि अभी हम सोच रहे हैं कि थोड़ा जो फोटो राखी का अभी जितना भी पेंडिंग ऑर्डर हमने लिया है, मतलब दो दिन में जो सेकंड स्लॉट ऑन करके ओपन करके लिया था बुकिंग का, तो वो पूरा फोटो खींचनी है हमें सनसेट में। मैं सोच चुकी हूँ उसमें थोड़ा अच्छी अच्छी फोटोग्राफी कर ले, तो उससे पहले वो रेडी करना है और थोड़ी देर में हो जाएगा। ऐसे तो अभी बाहर बहुत तेज़ धूप है तो कोशिश करते हैं कि तब तक हो जाए। तो अभी हो रहा है 11:09 और हमारा जो फ़ोटो राखी है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी हैं, कुछ ही बची हैं जो हमने कल कंप्लीट करनी है। उसके बाद जो है हम सेकंड बैच जो राखी का है उसमें वर्क करेंगे। ज़्यादातर फ़ोटो वाली थी तो हमने सोचा चलो पहले इसे कंप्लीट कर दें, नमकीन भी वैसे पड़ी है जो दिन में ली थी, और इसको कंप्लीट करना था। इसमें थोड़ा शाइन के लिए और प्रोटेक्ट करने के लिए ग्लॉस लगाना था, वो लग चुका है। इसके बैक साइड पर भी पेंट हो चुका है। अब हम जो है इसको भी पैक करना है, ये भी भेजना है, और बाकी चीज़ें जो आपको ये कबाड़ दिख रहा है इसमें से सारी चीज़ें जानी है। तो अब हम लोग सोच रहे हैं कि बहुत ज़्यादा काम हो गया क्योंकि हम लोग सुबह से लगे हैं और बीच में हम मार्केट गए थे, बस वही जो था जिस टाइम पे हमने काम से ब्रेक लिया था, अदरवाइज हम पूरा ही वर्क मतलब सुबह से शाम तक लगे हैं। तो अब हम सोच रहे हैं कि थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं, थोड़ा सा नहीं मतलब पूरी नींद ले लेते हैं, बहुत हो गया। तो सुबह अर्ली मॉर्निंग हम लोग उठने का ट्राई करेंगे और फटाफट से ही काम निपटा देंगे क्योंकि मंडे किसी भी हाल में हमने डिस्पैच करने हैं, क्योंकि हम भी चाह रहे हैं कि जितनी जल्दी ये निपट जाए ना उतने ईजीली और उतनी जल्दी आप लोगों के पास पहुँच जाएगा। तो इस वजह से हम लोग अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ये पूरा कंप्लीट हो जाए, क्योंकि बार बार मतलब जितना डिले करेंगे ना हमें ही दिक्कत होगी और फिर वो कुरियर टाइम से पहुंचेगा भी नहीं तो और ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। तो पॉली वॉली आपका आवाज़ आ रही होगी, भौंकने लग गया है कि चुप हो जाओ अब सो जाओ। तो इसलिए ये काम फिनिश करते हैं, बाकी का जो वीडियो है वो मैं आपको कल का दिखाऊंगी। गुड नाइट।